तो गोकुलधाम सोसाइटी में इस बार जन्माष्टमी में आ चुकी है इच्छा पूर्ति मटकी, यानी कि जो भी इस मटकी को फोड़ेगा उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, सबकी सहमति के बाद इस इच्छा पूर्ति मटकी को क्लब हाउस के अंदर रख दिया गया है। लेकिन आप सब जानते ही है कि गोकुलधाम सोसाइटी में सब काम इतनी आसानी से नहीं होता है, कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है, हंगामा होता ही रहता है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिल सकता है कि इस इच्छा पूर्ति मटकी को हर कोई फोड़ना चाहता है, लेकिन आखिर में सबकी सहमति के बाद पोपटलाल इस मटकी को फोड़ने वाले हैं। लेकिन पोपटलाल के इस मटकी को फोड़ने से पहले और क्या क्या नया हंगामे हमें देखने को मिलते हैं, उसका इंतज़ार मुझे तो पर्सनली काफ़ी दिनों से है। दोस्तों, ये जो जन्माष्टमी वाला एपिसोड है ये काफ़ी शानदार है और इस बार कुछ अलग कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, इस बार क्या पोपटलाल की शादी हो जाएगी या फिर हर बार की तरह पोपटलाल की शादी होते होते रुक जाएगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।